हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, दो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में मैं आप लोगों को यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग कर नहीं पाए थे कंप्लीट। आज थर्ड लेक्चर है हमारा, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, वो आप लोग देख चुके हैं। मान लीजिए जैसे कोई भी रिएक्शन हो, तो उसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, जैसे ए से अगर कोई बी बन पी बन रहा था उस दिन, इससे लास्ट क्लास में बी लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए से बी, तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए नहीं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपके बाद क्या बताया था आपको, कि जब रिएक्टेंट के केस में या फिर प्रोडक्ट के केस में, किसी भी केस में अगर यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, डीसी अपॉन डीटी बताया था, डीसी अपॉन डीटी, जिसमें सी क्या है, कंसेंट्रेशन, सांद्रता, क्या है ये, सांद्रता, सी सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। डी सॉरी डेल्टा सी लिख लीजिए या डीसी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेल्टा सी लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा और डेल्टा टी। तो सी डेल्टा सी क्या है, सांद्रता में चेंज, यानी कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग, और डेल्टा टी क्या है, टाइम में चेंजिंग। तो सांद्रता और टी क्या है, टाइम, समय, कितने समय में कितनी सांद्रता में चेंजिंग आएगी, कितने समय में, कितने समय के बाद कितना कंसंट्रेशन चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके थे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए अब आप खुद सोचिए, रेट का हमें क्या निकालना है, यूनिट निकालना। तो यूनिट क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यानी अगर इसकी सांद्रता की यूनिट और डेल्टा टी यानी समय की यूनिट, इन दोनों को निकाल ले, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, रेट की यूनिट पता चल जाएगी। तो सी सांद्रता क्या होती है, अगर हम सांद्रता की बात करें, सांद्रता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी, एन क्या है, मोल, और वी क्या है, लीटर। तो इसका मतलब सांद्रता की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और समय टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसका मतलब अगर हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी यानी रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आएगी, ऊपर सांद्रता की यूनिट और नीचे समय की यूनिट। तो इसका मतलब आर, इसकी अगर यूनिट निकालना हो तो सांद्रता की यूनिट, सांद्रता की इकाई, और नीचे टाइम यानी समय, तो समय की इकाई सेकंड होती है। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई हम लोगों ने क्या निकाली अभी, मोल पर लीटर, और समय का क्या है, सेकंड, सेकंड। तो इसका मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन का अगर यूनिट लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि देखिए सेकेंड ऊपर चला जाएगा और यहाँ मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर को हम मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की बात करें, तो क्या हो सकती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये तो एक यूनिट की बात हुई, इसके अलावा और भी यूनिट हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने इसको, हम कई रेट ऑफ रिएक्शन को कई प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि अनेक अनेक टाइप्स हैं इसके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, गैस समीकरण, गैस समीकरण क्या होती है, पीबी इजकल टू एनआरटी, पीबी इजकल टू एनआरटी। अगर मैं यहां से पी को यही रहने दूं, बी को इसके अपॉन में भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। तो गैस समीकरण से पीबी इजकल टू एनआरटी होता है, तो वी को इसके अगर अपॉन में भेजेंगे, और एन अपॉन वी क्या होता है, ये आपको, आप लोगों ने अभी देखा, एन अपॉन वी क्या होता है, सी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, सी आर टी। तो पी जिसमें आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर को अगर हम कॉन्स्टेंट मान ले, इसमें आर जो है ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर को भी अगर हम कांस्टेंट मान लें, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी प्रोपोर्शनल सी के होता है, पी प्रोपोर्शनल सी। इसका मतलब सांद्रता और प्रेशर, अगर किसी गैसी मॉलिक्यूल के लिए हमें अगर यूनिट लिखनी हो, तो कंसेंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सी की जगह हम पी भी लिख सकते हैं। इसका इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर रेट की अगर हम बात करें, तो इसको हम डीपी अपॉन डीटी भी लिख सकते हैं। अब डीपी, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, पास्कल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसका मतलब
रेट ऑफ रिएक्शन की एक यूनिट और आ सकती है, कौन सी? पास्कल सेकंड इनवर्स, एक यूनिट ये भी हो गई, एक यूनिट कौन सी हो गई? मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और एक यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड इनवर्स, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो यूनिट हो गई। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यूनिट कंप्लीट है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एक पास्कल सेकंड इनवर्स और दूसरी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो दो प्रकार की यूनिट हो गई। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था ये कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कैसे चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। मैं आज आपको दोनों ही बताऊंगा। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि रिएक्टेंट जो है टाइम के हिसाब से कम होता जाता है और प्रोडक्ट जो है टाइम के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो उसके लिए हमें ग्राफ पढ़ना होगा। अगर ग्राफ ग्राफ से आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको दोनों के लिए ग्राफ बनाऊंगा, प्रोडक्ट के लिए भी और रिएक्टेंट दोनों के लिए आपको एक ग्राफ बताऊंगा कि कैसे कंसेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो हम वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले चलो बात कर लेते हैं ग्राफ की, ग्राफ कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के लिए ग्राफ बनाता हूँ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के लिए। जैसे हमने रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, मान लीजिए ए से बी बनना है। ठीक है, ए से बी कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हमने मान लिया ए से बी। तो ए से जब बी बनेगा तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है कि ग्राफ किस प्रकार चेंज होता है। तो ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रिएक्टेंट ये क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद। इन दोनों के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे ग्राफ बनेगा, हम ग्राफ बनाते हैं कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, यानी कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो एक ग्राफ बनाता हूँ मैं टाइम उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और एक ग्राफ बनाते हैं रिएक्टेंट के लिए। फिर दोनों ग्राफ को कंबाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये ग्राफ जो है ये रिएक्टेंट के लिए मान लीजिए, और ये वाला ग्राफ जो है प्रोडक्ट के लिए। खुद सोचिए, और इधर क्या चल रहा है? इस साइड में है टाइम, इधर इस साइड टाइम बढ़ रहा है, और इधर टाइम है, और इधर क्या है? कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन यानी सांद्रता, इस साइड में सांद्रता, ऐसी इधर भी ये क्या है? सांद्रता, कंसेंट्रेशन। तो इन दोनों के बीच में जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा ग्राफ आएगा वो देखते हैं। देखिए, रिएक्टेंट, अगर ये रिएक्टेंट के लिए है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला ग्राफ जो हमारा किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। और ये ग्राफ किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। खुद सोचिए, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होगा या कम? स्टार्टिंग में रिएक्टेंट जो होगा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं। अगर मैं टाइम बराबर जीरो ले लूँ, टी बराबर जीरो, जब समय जीरो होगा, मान लीजिए इधर टाइम है, तो यहाँ मान लेते हैं ये जीरो है, इधर मान लीजिए 5, 10, 15, और इधर इसी तरीके से इधर भी टाइमिंग चलेगी, और यहां मान लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन 5, 10, 15 और 20। ठीक, तो जब जीरो होगा, खुद सोचिए, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। रिएक्टेंट यानी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट तो ज्यादा होगा ना, जब टाइम जीरो है, बिल्कुल टाइम जीरो है, तो रिएक्टेंट यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। मान लीजिए अगर मैं यहां पर ये 100 मोल ले लूं, 100 मोलर ले लूं, तो इसका मतलब अगर ये 100 है, ये मान लेते हैं ये 20, ये या फिर इसको मानते हैं 25, 50, और ये मान लीजिए 75। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टी बराबर जीरो पर ये कितना होगा? ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ये किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट, यानी इसको मान लेते हैं आर नॉट, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के लिए मैंने लिख लिया आर नॉट। तो स्टार्टिंग में ये तो 100 होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यानी हम मैं टी बराबर जब जीरो पे हूँ, तो रिएक्टेंट कितना है हमारे पास? 100 है। लेकिन जैसे ही मैं जीरो से आगे बढ़ूंगा तो रिएक्टेंट यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये होगा क्या? हल्के हल्के कम होने लगेगा। तो ये ग्राफ, जब टाइम टी बराबर हम 5 मान लीजिए 5 सेकंड पे आए, 5 सेकंड बाद कुछ रिएक्शन हो चुकी है, तो कंप्लीट जब होगी रिएक्शन तो उसके बाद ये कुछ कम हो जाएगा। तो जैसे ही कम होगा तो ये नीचे की तरफ ग्राफ आता रहेगा, इस तरीके से आएगा। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि एकदम नीचे आ जाएगा, एकदम जीरो नहीं होगा, ये क्या होता है? लिनियरली इस तरीके से, मतलब इस तरीके से डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट जो है हल्के हल्के डिक्रीज होता है, ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई और बहुत तेजी से जीरो पे आ गए, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या होगा? जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे तो टाइम यानी रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट जो है बनता जाएगा और रिएक्टेंट कम होता जाएगा। तो ये वाला ग्राफ कैसा आएगा हमारा? मान लीजिए यहां से है, इस तरीके से आ गए ग्राफ, ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। फिर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अब खुद सोचिए, ये तो हो गया रिएक्टेंट यानी ए था हमारा, ए ए समय के हिसाब से क्या होगा? कम। जैसे अगर हम बात करें
जब टी बराबर जीरो है तो रिएक्टेंट मान लीजिए पूरा ये भरा हुआ है, फुल है ये पूरा, ठीक। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट इस वाले केस में जैसे टाइम जीरो इधर की तरफ जाएगा तो रिएक्टेंट कितना हो चुका होगा, खाली हो गया होगा लगभग, बहुत कम बचेगा, रिएक्टेंट की मात्रा कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट की बात करें, बताइए जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट कुछ है, कुछ नहीं है, टाइम जीरो पे प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब इस बार जो ग्राफ है, इस बार यहाँ से तो ऊपर से स्टार्ट हुआ था ग्राफ, इसमें तो ग्राफ जो था वो कहाँ से था, ऊपर से स्टार्ट था, ऊपर से, यानी क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है समय के हिसाब से। इसीलिए जब हमने रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था तो माइनस आ रहा था, क्यों, क्योंकि देखिए ये डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन में कमी आ रही है, और इस वाली कंसेंट्रेशन में क्या होगी, वृद्धि। तो इस बार जो ग्राफ बनेगा, जब प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे, प्रोडक्ट टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब इस बार जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, बढ़ता हुआ, इस बार जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। देखिए ये तो रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया, रिएक्टेंट के लिए जब हम प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो होगा क्या, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या है, टी बराबर जीरो पर प्रोडक्ट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट क्या, उत्पाद क्या है, जीरो। जब उत्पाद जीरो है तो यानी इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उत्पाद का बनना स्टार्ट होगा, अरे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे जैसे टाइम आप आगे बढ़ाओगे, जैसे जैसे टाइम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो रिएक्शन के स्टार्ट होते ही प्रोडक्ट बनने लगेगा, यानी टी बराबर जीरो से जैसे ही आप जाओगे तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन सांद्रता बढ़ेगी और रिएक्टेंट घट रहा था। तो जब हम प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है इस बार जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है, जीरो है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, ये यहां से ऐसे होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है, जीरो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये उत्पाद क्या हो जाएगा, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आप चाहे तो इन दोनों ग्राफ को एक साथ ही बना सकते हैं, एक ही ग्राफ में बना सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। इन दोनों ग्राफ को अगर मैं एक ही में बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, इसी ग्राफ में ये रिएक्टेंट के लिए है, मान लीजिए ए के लिए है, अब मुझे अगर बी के लिए इसी में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये बी का ग्राफ बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी लिख दीजिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बी के लिए यहाँ क्या था, जीरो, और यहाँ बी क्या हो गया, ठीक है। तो दोनों ही ग्राफ जो है आसान है, इजी है, कुछ नहीं है। अच्छा, ग्राफ को अगर अगर डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जितने भी ग्राफ होते हैं, जितने भी ग्राफ, हर तरीके के ग्राफ कैसे बनता है, कैसे प्लॉट करते हैं, ये तो जनरल ग्राफ था कंसंट्रेशन और टाइम का, तो कोई भी ऐसी आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, अगर ग्राफ आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ग्राफ के लिए एक स्पेशल, मतलब एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा सिर्फ ग्राफ के लिए। जितने भी जो भी सारे ग्राफ होते हैं वो सारे के सारे ग्राफ हम इसी में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सारे के सारे जितने भी ग्राफ होते हैं सभी ग्राफ, हर तरीके का ग्राफ आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको बताना होगा कि ग्राफ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज बताएं कि ग्राफ मुझे हमें बनाना सीखना है, तो मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो अलग से बना दूंगा ग्राफ के लिए, ओनली फॉर ग्राफ, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्राफ की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, ठीक। तो अब जो है हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने पढ़ लिया, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया और उसकी यूनिट पढ़ ली, उसके बाद जो है रेट ऑफ रिएक्शन होता कितना, कितने प्रकार का, टाइप्स, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वेग, जब हम वेग की बात करेंगे तो वेग जो है, अब जैसे आपने देखा होगा कि वेग, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं कहूं कि यहां मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है, अगर 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है तो आपकी स्पीड क्या 10 किलोमीटर तक बिल्कुल सेम रहेगी, पॉसिबल नहीं है, 10 किलोमीटर तक तो सेम स्पीड हो ही नहीं सकती किसी की। अगर मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में आप अगर 10-20 की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो क्या ये 20 की स्पीड आपकी रेगुलर रहेगी, नहीं रहेगी, तो क्या होगा, बीच में कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो वेग भी जो है वो टू टाइप से होता है, दो प्रकार के वेग होते हैं। तो वेग के टाइप जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, एक औसत वेग, एवरेज, और एक होता है इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेग। तो ये दोनों वेग वाला लेक्चर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर, फोर्थ लेक्चर जो आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे। तो हल्के हल्के हमारे चैप्टर जो है आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन जो है उसको भी बजा दीजिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आती है तो आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कल लेके आता हूँ, फोर्थ लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर आएगा और उस पर हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।